नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैक्सीन आ गई है, लोग 1 अप्रैल से 18 से अधिक उम्र के लोग भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। ऐसे में कई राज्य जो हैं वो वैक्सीन को फ्री भी कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के जो मामले बढ़ रहे थे, उसमें आम आदमी पार्टी ने 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को जो है वो फ्री वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। आज ही ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को यानी आज डिजिटल प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी कि 1 तारीख से जो वैक्सीन लगेगा वो फ्री होगा। अरविंद केजरीवाल सरकार के इस फैसले से कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी आएगी, ऐसा कहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा सकेगा। इस पर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैक्सीन फ्री हो जाना चाहिए। तो आज प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन के दाम अलग अलग आ रहे हैं, जो ठीक नहीं है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से निवेदन है कि वह इसे 150 रुपये तक ले आए, और केंद्र सरकार से भी निवेदन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दाम पर कैपिंग की जाए, यानी दाम 150 रुपये से अधिक ना हो, ताकि हर आम खास उसको जो है वहन कर सके उसके खर्च को। और जो ये स्थिति भयावह हो गई है उसको रोक लगाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और जो 1 तारीख से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा उसमें 18 साल से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच होगी अगर इसके दाम जो है कम कर दिए जाए। और जो दिल्ली सरकार है उसने तो ये कहा है कि ये वैक्सीन फ्री रहेगी। तो आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट में लिखा, चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर यह निशाना साधा और कहा, मत बनाओ भारत को बीजेपी सिस्टम का विक्टिम। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्मित कोविड शील्ड जो वैक्सीन है वो राज्यों को 400 रुपये प्रति खुराक और निजी अस्पतालों को 600 रुपये प्रति खुराक उपलब्ध होगा, जबकि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन राज्यों को 600 रुपये प्रति खुराक और निजी अस्पतालों को 1200 रुपये प्रति खुराक मिलेगा। तो इससे जो एक आप देखिए प्राइसिंग है अलग अलग जो की गई है, और इतनी 600 रुपये प्रति खुराक यानी 1200 रुपये, तो एक गरीब उसको कैसे उसका खर्च वहन कर सकेगा? क्या एक गरीब जो ऑलरेडी जो टेस्ट कराने के लिए जिसके पास पैसे नहीं होते, जो ऑलरेडी बीमारी से जूझ रहा है, वो क्या वैक्सीन के लिए इतना खर्च करेगा? और परिवार में जब एक से अधिक मेंबर हैं, जाहिर सी बात है, तो उनका खर्च कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पर तमाम लोग जो हैं वो अपनी राय रख रहे हैं। एक मशहूर जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ ने रविवार को इस बात की वकालत की और उन्होंने कहा कि टीका जो है वो मुफ्त ही लगाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी जन स्वास्थ्य आपात स्थिति में, आप देखिए जब भी ये आपात स्थिति है देश के लिए, एक इमरजेंसी का वक्त है, और ऐसे में सरकारी वित्तीय समर्थन की जरूरत होती है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी ने पीटीआई भाषा से एक इंटरव्यू में यह कहा कि टीकाकरण मुफ्त होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जन स्वास्थ्य आपात स्थिति, खासकर संक्रामक रोगों की स्थिति में, सरकारी वित्त समर्थन की जरूरत होती है। दरअसल इसे जनहित समझा जाता है। तो ये जो एक वक्त है देश के लिए, मुश्किल घड़ी है, हर कोई ना सिर्फ मानसिक शारीरिक बल्कि एक फाइनेंशियल मुश्किल वक्त से भी गुजर रहा है। हर किसी पर एक बोझ है, वो भी एक ये नया बोझ नहीं। आप देखिए पिछले 1 साल से हालात ऐसे हैं, जन स्वास्थ्य जो है आपात स्थिति में पहुंच चुका है, लोगों की मौतें लगातार हो रही हैं, शमशान में जगह नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। आप कितना भी कह लें, कल 4 डॉक्टरों की टीम ने कहा कि नहीं ये सब अफवाह है, भ्रामक है, बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसको कैसे नकारा जा सकता है? जब आप अस्पताल में जा रहे हैं, मैं अपने आप में देखूं, मेरे जानने वाले 100 लोग, मैं रोज वो फोन करते हैं कि उनको अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वो बहुत परेशान है, शमशान में लंबी लाइन लगी है। तो क्या वो ये सब भ्रामक है? लेकिन फिर भी अच्छी खबर ये है कि कई राज्य हैं जिन्होंने फ्री टीका देने का ऐलान किया है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान,
ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, बिहार, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा, ये कई राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन जो है जो 1 तारीख से लगाई जाएगी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये फ्री होना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं या जो तमाम राज्य अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं कि फ्री करके लोगों के स्वास्थ्य को सुधारा जाए और किसी तरह इस संक्रमण पर काबू पाया जाए, केंद्र सरकार इसके बारे में ज़रूर सोचेगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर दबाएँ। नमस्कार।